नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। पुलिस की वो गंदी करतूत भी दिखाएंगे जो पुलिस किस तरीके से अपनी वाहवाही बटोरने के लिए किस तरीके से कार्य करती है। उस पुलिस की हरकतों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से मंगेश के घर पे इस समय मौजूद है, किस तरीके से उसको डकैत बनाती है। पहले मोबाइल से कहानी शुरू होती है, मोबाइल की कहानी से एक लंबी कहानी बना दी जाती है। और उस समय बाप को पैसे नहीं होते हैं, बच्चे के छुड़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे नहीं होते हैं तो करीब 6 महीने तक वो बच्चा जेल में रहता है। फिर उसके बाद पैसे इकट्ठा होता है, बाप ड्राइवरी करता है, उसके बाद पैसा वहाँ पे जमा करता है, फिर जाके कहीं जाकर वकील करके छुड़वाता है। अब वो वारदात वहाँ से शुरू होती है। पुलिस जैसा कि 6 महीने जब रहेगी तो पुलिस और भी मामले को उठा के डाल देती है। और ये मामले हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़ा सरकारी बताता है किस तरीके से प्रशासन के कुछ लोग अधिकारी, सब नहीं, कुछ अधिकारी होते हैं जो मामले में एक केस डालते रहते हैं जिससे परिवार पर दबाव बनता है। आइए मंगेश के उस घर को दिखाते हैं, वो जो करोड़ों के लूट किए हैं, और उनके करोड़ों की लूट की घटना को दिखाएंगे, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक भी पैसा भी नहीं दिया गया है। ये कहानी है, उनके घरों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये उस डकैत का घर है, वो लूट करने वाले का घर है। इस देख सकते हैं कि लूट का पैसा आखिर गया कहाँ। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि पुलिस किस तरीके से मामले को, घटना को अंजाम देती है। यहाँ पर दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये घर है, ये यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ भी खाने पीने के मोहताज है ये परिवार पूरा खाने पीने के मोहताज है। इसके पिताजी ड्राइवरी करते हैं। ये कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी मीडियाकर्मी भी मौजूद हैं, आज तक से लेके, और समस्त पत्रकार और ग्रामीण के लोग भी मौजूद हैं। किस तरीके से पुलिस का वो गंदा कारनामा बार बार खुलता रहा है। कई पुलिस अधिकारी जेल में भी गए हैं, कई अधिकारी सस्पेंड हुए, उनकी नौकरी भी गई है, और 7-7 साल जेल काटे हैं। ये उस मंगेश की तस्वीर है, इन तस्वीरों को मैं साफ देख सकते हैं। ये वही गंगेस्टर है, और वो गंगेस्टर का वहाँ पे माँ है, और उसका घर है मड़ई है, और ये करोड़ों का घर यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। किस तरीके से प्रशासन गंगेस्टर बताकर अपने आपको वाहवाही का एक मेडल हासिल करती है। किस तरीके से मेडल हासिल करती है वो आपके सामने ये प्रस्तुत है, देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों को, किस तरीके से घटना को अंजाम देती है पुलिस, और रात के करीब 2 बजे के करीब आती है और उस बच्चे को उठाकर लेके चली जाती है। ऐसा परिवार हुआ, हम परिवार से भी पूछेंगे आखिर घटना का पूरा विवरण क्या था। हम घटनास्थल पर आकर, ग्राउंड में आकर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर वो गांव के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ भी जाने आने का रास्ता नहीं है, इस तरफ भी नहीं। और आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरफ से वो एसटीएफ वाले आए थे और किस तरफ से वो निकले हुए थे यहाँ का, किस तरीके। यहाँ आइए, एसटीएफ के जवान इस
गौरव है ना है बैठा ही ना कर पाया बैठा नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीओबी न्यूज। बड़ी खबर चल रही है मंगेश यादव की। इनकाउंटर हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है। घर में दीप जलाने वाला दीप गस में दीपक की बात करूं, मंगेश यादव अकेले ही अपने माता पिता के बड़े लड़के थे, एक बहन और एक भाई थे। अगर इसमें बात करूं तो जो गांव है पूरा गांव में सन्नाटा छा गया है। तमाम लोग जो है कि मंगेश के 24 घंटे मंगेश के घर पे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, पिता जी को हौसला अफजाई कर रहे हैं। बीच में हमारे बीच में एक इनसे मुलाकात करेंगे और इनसे बातचीत करते वक्त आपको हम बताएंगे क्या कुछ सिलसिला हुआ था, क्या कुछ मामला हुआ था, कैसी घटना घटित हो जाती है, क्या इसके पहले भी मंगेश के ऊपर तमाम मुकदमे तमाम केस लगे हुए थे। क्या नाम पड़ेगा? राघवेंद्र यादव। राघवेंद्र यादव जी, ये मंगेश यादव से आपसे कब मुलाकात कभी हुई थी कि नहीं? हम यहीं बगल के गांव गए, जो कि राजनीति भी करते हैं, तो मतलब लोगों से मुलाकात होती रहती है। हमसे भी मुलाकात हुई है मंगेश से, और वो ऐसा लड़का नहीं था, एक गरीब का लड़का था। घर की स्थिति आप लोग देख ही सकते हैं कि किस स्थिति में। पिताजी ट्रक चलाते हैं, एक बहन है वो भी पढ़ती है, माँ भी अनपढ़ है, गरीब है। तो मिलते रहते हैं लोगों से, हम लोग भी मतलब कहते थे भाई पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो। इससे पहले एक बार पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती किसी फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया था, मोबाइल चोरी में किसी झगड़ा वगड़ा हुई थी उसी में भेज दिया था। तो वहाँ छूटा उठा तो अपना घर पे रहता था। लेकिन जिस तरीके से इस घटना हुई, जिस दिन घटना हुई 28 तारीख को सुल्तानपुर में चोरी हुई थी, तो वहाँ पे जो है 28 तारीख जो उसकी बहन है उसके एडमिशन कराने के लिए घर से ही यहीं पे 9:30-9:10 बजे लगभग यहाँ से कराने के लिए बगल में नोबड़वा में गया था। वहाँ से आके घर पे था। जब बहन वहाँ से आई भी है कॉलेज से पढ़ के आई, घर आई, देखी भाई था तो, और हम लोगों से 2-3 दिन पहले भी मिला था। उसका बाल बहुत छोटा छोटा था। जो घटना हुई थी, जिस घटना में उसके स्ट्रक्चर का आदमी दिख रहा था सीसीटीवी में, हम लोग भी देखे, क्योंकि हम लोग भाई रोज देखने वाले लोग थे, हम लोग समझ जाते हैं भले मुंह देखते या ना देखते, लेकिन उस घटना में उस कहीं शामिल हमको दिखा नहीं। जो स्ट्रक्चर एक लड़के का लग भी रहा था, उसका बाल जो दिख रहा था पगड़ी बांधा हुआ था वो काफ़ी बड़ा था, तो वो भी ये नहीं था। इसका बाल चूँकि छोटा छोटा था, और 25 को मिला था, 25 को मतलब मैंने देखा था बाल छोटा था। तो कुल मिलाकर के है कि इस सब घटनाओं में होते हुए भी अगर हम देखते हैं, अगर उसके खिलाफ फर्जी FIR दर्ज किया गया था, उसमें पुलिस पकड़ती अपना पूछताछ करती है, जेल भेजती। राघवेंद्र जी, एक सवाल होता है कि अगर मंगेश जी के ऊपर तमाम मुकदमे पहले से भी दायर हुए थे, इसके पहले वो जेल भी जा चुके थे, सवाल ये भी उठता है कि और रहने वाले जौनपुर के हैं, और कांड जो होता है सुल्तानपुर में होता है, या तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो रहा होगा, तभी तो इनका नाम जो है कि आरोपी तय हुआ। नहीं, कोई कनेक्शन नहीं था। जब 28 तारीख को लड़का घर पे था तो कनेक्शन क्या हो सकता है? और उस घटना में CCTV हम लोगों ने देखा, फुटेज देखा, वहाँ पे कहीं पे भी इसका फोटो नहीं दिखी। यानी घटना स्थल पे या घटना समय पे उस वक्त मंगेश घर पे ही जौनपुर में, घर पे जौनपुर घर पे था, तो वहाँ पे नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, जिस दिन यहाँ पे मतलब पुलिस इनकाउंटर करके बता रही है, हम रास्ते में मुठभेड़ हुई, जब सोमवार को यानी कि 2-3 तारीख के रात में पुलिस यहाँ पे आती है, STF के लोग आते हैं, सादी ड्रेस में आते हैं, घर वालों को मतलब बहन को, भाई उसकी माँ को डराते धमकाते हैं, पूरा कमरा चेक करते हैं, फर्जी वीडियो बनाते हैं और इसकी मोबाइल छीन लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं लेके, और कहते हैं किसी बताना मत, 2 दिन में पूछताछ करके कल सुबह 10 बजे तक छोड़ देंगे। अगले दिन तक कोई खोज खबर कर मतलब परेशान थे, डरे हुए थे, हमें हुए थे, किसी बताया भी नहीं, अपना जानकारी भी नहीं थी, कहीं से हम लोग इसका FIR दर्ज कर दें या कहीं किसी शिकायत कर दें, ये सब कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे ले जाकर जब देखिए कोई खोज खबर काला नहीं है, ये लोग जा करके फर्जी इसको मुकदमा उसी में बैठा करके इसका इनकाउंटर कर देते हैं। इनकाउंटर नहीं, हत्या है,
इनकाउंटर नहीं हत्या, ये हत्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन के ऊपर सवाल ही नहीं है, हम एकदम दावे के साथ हैं। जो ठाकुर डी के शाही जो है ये लगातार इस तरीके की घटनाएं कर रहा है। हम उस जो फोटो देखते हैं वो चप्पल पहना हुआ है, वो चप्पल पहन करके कौन डी के शाही जो DSP, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। कहीं चप्पल पहन के भी इनकाउंटर होता है, भाग रहा था, हम लोग दौड़ाए पकड़े ना उस चप्पल ना कुछ लगाए, एकदम साफ सुथरा, एकदम जाकर ये मार करके हत्या करके जाकर के लोग फोटो खिंचवाए हैं और ये मनगढ़ंत कहानियाँ प्लाट किए हैं, लोगों को बताए हैं। घर से ले गए जब 2 दिन पहले, कैसे मतलब पुलिस अवस्था से भाग जाता हो, कैसे भाग जाएगा, ये प्रश्न है। इस सरकार में केवल जात देख करके, धर्म देख करके लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के साथ हत्याएं हो रही हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, लोगों को घर जाया जा रहा है। इससे पहले हम कई घटनाएं देखे होंगे, आप लोग अगर बुलडोजर चलाते हैं घर गिरा देते हैं, आए इतनी बड़ी बिल्डिंग है आगे इसमें चलाएं बुलडोजर, क्यों नहीं चलाए बुलडोजर। एक लाख रुपए इनामी बदमाश बताए जा रहे थे मंगेश यादव, और घर देख सकते हैं अगर से तो उस एक मड़ई है, गरीब का महल है साहब, ये 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश इसमें रहा करता है, ये हमारा प्रशासन कहता है। और कुछ क्या हुआ था आगे बताइए। उसके बाद ये लोग इनकाउंटर कर देते हैं, हम लोग जब सूचना मिलती है मीडिया के माध्यम से इस तरीके से घटनाएं हो गई, हम लोग भी संपर्क किया गया, घर वालों से संपर्क किया कि भाई ऐसा कैसे हो गया, इन लोगों की जानकारी नहीं थी, माँ को बहन को जानकारी नहीं थी, पिताजी बाहर थे, तो अगल बगल जो 2-4 लोग गाँव वाले थे तब लग करके इन लोगों को बताया गया, जा करके वहाँ डेड बॉडी लाए, ये लोग प्रयास किए कि वहीं पर जला दिया जाए इसको, लेकिन चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, एक सवाल, अगर घर में इकलौता बेटा हो वो भी बड़ा हो, और अगर से पिता बाहर हो, अगर बड़े बेटे की मौत हो जाती है, अगर से पिता वहाँ पे ना हो तो फिर कैसे डेड बॉडी की जो है अंतिम संस्कार किया जा सकता है। पुलिस वाले कह रहे हैं कोई इतना बड़ा मेडल नहीं जीता है, मां का लाख इसका दिखा करके यहीं पे इसको सुपुर्द खाक कर दो, तो हम लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक मतलब पिताजी नहीं आ जाएंगे, जब तक एकदम एक्चुअल जानकारी नहीं हो जाएगी किस तरीके से घटना हुई, इस पर आप लोग जवाब नहीं देंगे और मुकदमा नहीं दर्ज करेंगे, तब तक हम लोग होने नहीं देंगे। पिताजी को फोन जाता है, पिताजी गुजरात थे, वहाँ से फ्लाइट से जाते हैं और अगले दिन सुबह पहुँचते हैं, ये लोग शाम को डेड बॉडी जबरदस्ती जलाने का प्रयास करती है पुलिस, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी पुलिस वालों से बात करते हैं, घर वालों से बात करते हैं, लगातार ट्वीट भी किए, 1 ट्वीट किए, 2 ट्वीट किए, और लगातार पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरी समाजवादी पार्टी वहाँ खड़ी रहेगी, जरूरत पड़ेगी मैं भी आऊँगा, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे, पिताजी की जो मर्जी होगी उनके खिलाफ नहीं होंगे, जब तक पिताजी आ नहीं जाएंगे तब तक आप डेड बॉडी को घर से ले नहीं जा पाएंगे। आप यहाँ पे कितने घंटे रहते हैं मंगेश के? हम तब से लगातार हैं, चूँकि भाई हम लोग पारिवारिक है, बगल गांव है, तो हम लोग किसी जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग इसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, और लगातार यहाँ पे परिवार वालों के संपर्क में भी हैं, यहाँ बने हुए भी हैं, क्योंकि घर की स्थिति देख करके मतलब बच्ची की जो बहन है, पिताजी हैं, मामला स्थिति खराब हो जा रही है, लोग बेहोश हो जा रहे हैं। एक सवाल ये भी उठ के आता है, जो मंगेश यादव के जो तमाम साथी बताए जा रहे थे, विपिन पे भी जो है कि लगभग 36 केसें लगे हुए हैं, और मंगेश के ऊपर 7 केसें मुकदमे ऐसे बताए जा रहे हैं प्रशासन, अगर से 7 ज़्यादा बड़ा है कि 36 बड़ा है, आप अपने जवाब। सवाल तो इस पे भी उठता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सरकार एकदम जातिवादी है, और केवल जात दे करके एक जात को बचाने का काम करती है, और दूसरी जातियों PDA के लोगों को, यादव को, मुसलमान को, अन्य PDA के लोगों को ये लगातार मारने का काम कर रही है, किसी को गोली मार दे रही है, किसी की गाड़ी पलटवा दे रही है, किसी को जेल भेज दे रही है, किसी के घर को गिरा दे रही है, इस तरीके की घटनाएं लगातार कर रही है। तो हम एकदम पूर्ण रूप से कहते हैं योगी आदित्यनाथ लगातार जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, और उनके प्रशासन के लोग उनको खुश करने के लिए केवल यादवों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, PDA समाज के लोगों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, मैं घर दिखाने का प्रयास करेंगे कि मंगेश यादव का घर, ये आप देख सकते हैं, वही मंगेश यादव का घर है जिसपे तमाम मुकदमे दायर हो जाते हैं और तमाम केस जाते हैं, और कई महीने तक वो जेल में रहते हैं, जेल से छूटने के बाद जब वो घर आते हैं तो अपने पिता के साथ जो है कि बाहर अपना जीवन यापन करने के लिए चले जाते हैं, और पिता का सहयोग हाथ बढ़ाने के लिए उनके साथ जो है कि जो उनके पिता गाड़ी चलाते हैं उसको सीखा उन्होंने, और जो है उनकी मदद करना शुरू कर दिया। उसके बाद जुलाई में आते हैं ये तमाम जो है कि फिर ये मामला आता है, रात को लगभग 2 बजे मंगेश को घर से उठा लिया जाता है, और तकरीबन सुबह 5 बजे इनकाउंटर हो जाता है। ऐसा जब घर वालों को पता चलता है तो पूरा घर वाले एकदम बिलख बिलख के रोना शुरू कर देते हैं, और हमारे बीच में एक लोग हैं, बहुत बहुत स्वागत, क्या नाम पड़ेगा? मैं रामलोट यादव। रामलोट यादव, प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव पिछड़ा वर्ग विभाग से जी। आज हमारे माननीय श्री साथ में भाई आए हैं। आप यहाँ पे कितने दिन बाद आते हैं?
घटना होने के बाद ये घटना होने के बाद होने का आज पहली बार आया हूँ प्रतिनिधिमंडल 3 दिन हो गया मामला। हाँ प्रतिनिधिमंडल के साथ आज आया हूँ और बहुत ही दुखद घटना। इस घटना में आपको जानकारियाँ क्या क्या मिली, क्या कितनी सच्चाई है? सीधे सीधे पुलिस जा की है, उठा करके ले जा रही, मार दे रही है, ये तो सीधे सीधे पुलिस बाल हो रही भाई। पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, उन पुलिस वालों को जेल जाना चाहिए जिन्होंने ऐसा कृत्य किया। इनको जान से मारने किसने अधिकार? साथ गया इकलौता लड़का था और चोरी डकैती इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम मानू पांडी। लेकिन उसके पास न मोटरसाइकिल है न साइकिल है, तो ऐसे भी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके ऊपर मंगेश के ऊपर तमाम ऐसे मुकदमे होते हैं कि वो इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम मानू पांडी जैसे डकैती करते तो ये जो महल जो दिख रहा है में तब्दील भी हो जाता। बिल्कुल हो जाता अगर वो डकैती डालते इतना दिन से डाल रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी लूट की घटनाएं जैसा पुलिस में आया है कि 8-8 घटना जुटी। आया तो होता है वो पड़ी है, ये देखिए माँ पड़ी है। खुश हैं जब से हम लोग आए हुए हैं, कोई जो है कि आप लोग बोलो ज्यादा मत, और किसी को बता मत, कुछ कहना था करके हम छोड़ भाई के बहन बहुत गरीब होता है, कैसा स्वभाव था आपके भाई? हमारे भाई ऐसा कुछ था नहीं, जो कि इतना इंजाम लगाया जा रहा है वो एकदम सीधा साधा लड़का था। वो कुछ दिन पहले पापा के साथ था, फिर आया था, मम्मी का तबीयत नहीं सही थी, मम्मी को दवाई दिलवाना था। तब उस दिन जिस दिन वो घटना हुई उस दिन भाई हमारे साथ स्कूल पे गया था। नहीं ऐसा करता तो वो हम लोग का घर भी कुछ रोता है, ऐसा थोड़ा ना होता है कुछ घर वैसा लूट मार करता तो वो रहता कहाँ पे खुले आम होता। चले चल रहा है झोपड़ी है तो उसके सामने कुछ भी तुम आप लोग कर सकते हो ना, रख के दिखा सकते हो। तो ये सब वो किए हैं।